सिल्वर वर्ल्ड, चांदी की चीज़ें इधर हर चीज़ मिलती हैं आपको। अल रहा फास्ट फूड कॉर्नर है, फूड कॉर्नर, जहाँ पे समोसे यार आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। रेडी दिन का चिराग, ये मान के ट्रेडिशनल मास्क है, ये यहाँ पे काम करते हैं। लाइक करो, शेयर करो। क्या कहते हैं इसे, रुमाली सिल्क? ओमान के अलावा कहीं नहीं मिलता है कपड़ा? दुबई में मिला है। उसका क्या रेट है वो लास्ट वाला? हाँ, भैया का कहना है यहाँ के जो रुमाली सिल्क कपड़े हैं ओमान के अलावा कहीं भी नहीं मिलते। हाँ, साड़ियाँ मिलती हैं ऐसे वाले मास्क, हॉर्स राइडिंग वाले अपने मूवी में ही देखे होंगे, तो यहाँ पर आप खरीद भी सकते हैं। 88 रियाल है, इंडिया के 16,000 रुपये का ही। ये लाइट्स कितने की हैं वैसे? कितने की? 10 रियाल की। काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स भी हैं पूरी मार्केट, तो हम देख नहीं पाए, जो भी देखा आपको दिखाया। नेक्स्ट पूरे व्लॉग के लिए हम आपको नेक्स्ट टाइम रमज़ान के टाइम में हम विजिट करेंगे, तब आपको दिखाएंगे यहाँ का पूरा नज़ारा। फाइनली हम बाहर आ चुके हैं, अंदर से काफ़ी बड़ी मार्केट है, अंदर हम अभी घूम नहीं सकते, टाइम नहीं है, शाम का टाइम हो रहा है, हमें जाना भी है बहुत दूर। तो सो अभी हम निकलते हैं गाइस इधर से,
अमेरिकन्स का आपको ज़्यादा इधर के कहते हैं रश मिलेगा मथुरा में, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। अमेरिकन्स यूरोपियन काफ़ी आते हैं इधर घूमने के लिए। तुम्हारी अभी अल्फावेट, चलो चलते हैं फिर अल्फावेट। गाइस अभी काफ़ी लेट हो रहे हैं। हाँ अभी आप इधर से देख सकते हैं, हम वहाँ गए हुए थे फोर्ट पे ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, और आगे नई वीडियो के लिए आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। विल गेट इट अ न्यू अपडेट्स इन देयर। काफ़ी अच्छा भी है जब लोग आके इनको खाना भी डालते हैं भी, जो कि हम अभी कुछ लाए नहीं है। कुछ लेके आए चाचा कबूतरों के लिए। तो जैसे कि हमारा टाइम था 6:04 पे हमने निकलना था, हम 20 मिनट पहले वहाँ से निकल चुके हैं पार्किंग लगाने के बाद। काफ़ी अच्छा व्यू रहा है इधर का मथुरा का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बड़ीस। एक बार दोबारा आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस व्लॉग में न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपके लिए ऐसी नई वीडियोस हम लाते रहेंगे, मान के नए नए नज़ारे, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली। शायद आप आएँ इधर विजिट करें तो आपको अच्छा लगे, अपने आंखों से भी देखें। हम आपको थोड़ा डेमो इधर से दिखा देंगे जिससे कि आपको इजी रहेगा घूमने में इधर। फाइनली हम निकल चुके हैं। इंडिया में तो काफ़ी कम है ये चीज़ें, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया में भी आ जाए। देख सकते हैं आप काफ़ी लाइट्स इधर ब्लिंक करती हैं। बोला था मुझे एक दिन, मैं गया था उधर किया का शोरूम है, देखो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी शोरूम्स है लेक्सस का है, जो हमारे इंडिया में मैंने लेक्सस की गाड़ियाँ बिल्कुल देखी नहीं। लेक्सस, मज़दा, टोयोटा तो है हमारे इंडिया में, और पीछे भी काफ़ी शोरूम्स लेफ्ट हो गए, हमने कैमरा नहीं निकाल पाए थे। फोर्ड का तो हमारे इंडिया में है ही, काफ़ी अच्छे अच्छे डॉज, डॉज भी हमारे इंडिया में नहीं है,
एस्ट्रो मार्टिन है, एस्ट्रो मार्टिन का डॉज का शोरूम है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का बैक साइड चला गया हो, आप क्या कहते हैं लग्जरी कार्स और क्या कहते हैं ये रुई वाले वे में ले सकते हैं, इधर हर चीज़ें मिलती हैं। और सर्विस सेंटर भी वहीं पे है आपके, वही सर्विस सेंटर भी है। डॉज चार्जर जब मैंने देखी थी काफ़ी अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में देखी थी, तो रियल में ओमान आके देखी। वैसे आप भी सर्च कर सकते हैं डॉज चार्जर, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इसी के साथ शाम इवनिंग होते जा रही है, रात का टाइम करीब है। हमारे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, वैसे उसको हम म्यूट कर रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, मेरी एक दो वीडियो में आया था। लॉजिस्टिक की कंपनी है बहुत बड़ी DSV, यहाँ से आप अपना कार्गो कर सकते हैं, इंपोर्ट आउटपोर्ट। तेरी लोकेशन भेजिए इस लोग। सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और ये काफ़ी इधर किनारे में है, इधर ऊपर वैसे कहना नहीं चाहिए, जब कोई इस कंट्री में एक्सपायर्ड होता है तो उसे भी एक्सपोर्ट किया जाता है इधर पे विद आइस बॉक्स, वो भी यहीं पे है, उसका भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है इधर। लिमोजीन टाइप की कार्स हैं तो थोड़ी सी मॉडिफाइड हैं ये गाड़ी, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा भी है। तो काफ़ी प्यारी मस्जिद है, चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा लेकिन रिमाइंड कराना भी बहुत ज़रूरी है, हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, हो सकता है अगर आप ओमान में हैं तो आपको रियल में भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी कोने पे ओमान के। आने वाले टाइम में हम कहीं विजिट करेंगे तो आपको पहले बताएंगे भी। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं अभी तो सारे तलाबाद TM10 ये सब लोग हैं एक स्पेसिफिक एरिया से, मैं भी रिकमेंड नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। नफरत को दूर करें, ओमान का कहना है, ओमान की एक खासियत भी अच्छी है, कहता है कि कहते हैं कि सब लोगों के अंदर खून है, जो वीन से हमारी नसें हैं उनके अंदर खून ही बहता है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, तो धर्म को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे, हर किसी का अपना अपना होता है, होना चाहिए।
लेकिन ये कहते हैं इंसानियत पहले है। तो आप भी कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, इंसानियत को पहले इम्पोर्टेंस दें। ये मत देखे कि कौन से धर्म से हैं, क्या है, सब एक जैसे ही हैं, सबके अंदर खून है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर पेट्रोल है। जैसे गाड़ी हम कह सकते हैं खराब हो जाएगी, मैकेनिक पे जा सकते हैं, ये इंसान नहीं जा सकता ना। ये लिविंग रूम्स हैं, कोई भी इधर आता है, कंपनीज कहीं भी ऐसे ही मिलते हैं एरिया, ऐसे ही हैं एरियाज, काफ़ी हाइट्स नहीं है हाउस घरों की। आगे जाके बीच है, हम बीच पे भी जाएंगे, लेकिन अभी उन्हें कॉल कर रहे हैं जिनसे हमें मिलना है, जो इंडिया जाने वाले हैं। हेलो, हां सर, कीजिए आ गए। हां चल, रूम के कितना खड़ी ठीक आ गए। जैसे कि मैंने कहा था आप ही राजस्थान से हैं, तो आ रहे हैं अभी, वो चाचा के भाई हैं। आ चुके हैं इनके भाई।